फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ पे मेरा एक्सरसाइज स्टार्ट हो गया था और सुबह, और क्योंकि मैं रात भर सोई नहीं थी फ्रेंड्स, ये संडे का दिन था और मुझे रात भर नींद नहीं आया, तो ये सुबह सुबह मैं जल्दी ही स्टार्ट हो गई, मतलब 5:30 हुआ होगा हार्डली, तो उसी टाइम से मैं स्टार्ट हो कर दिया अपना एक्सरसाइज। सोचा कि एक्सरसाइज करूँगी तो बॉडी थोड़ा सा थक जाएगा, फिर मुझे नींद आ जाएगा, तो 2 घंटा एटलीस्ट मैं सो पाऊँगी। और नहीं सो रही हूँ इसीलिए भी तबीयत ख़राब हो रहा है, या फिर तबीयत ख़राब है करके मुझे नींद नहीं आ रहा है, ये मुझे पता भी नहीं चल रहा है। और एक्सरसाइज मैंने प्रॉपर किया था, लेकिन बॉडी फिर भी, अगर आपने प्रॉपर रेस्ट नहीं लिया है ना, मतलब रात का नींद अगर कंप्लीट ना हो तो बॉडी पूरा थक जाता है। ये मैं, मतलब अभी मैं जान पा रही हूँ कि कितना मतलब ज़रूरी है नींद, जबकि मेरा थोड़ा सा स्लीपिंग इश्यूज है और मुझे नींद बहुत कम आता है, लेकिन जब सोती हूँ तो बहुत सोती हूँ, 2-4 दिन अच्छे से सोती हूँ, फिर 3-4 दिन नींद नहीं आता, तो मेरा वैसा होता है। तो वही है, ये वही दिन का वीडियो है जिस दिन मेरा तबीयत बहुत बिगड़ गया था। ये तब तक मैं ठीक थी, ये लंच टाइम तक भी मैं ठीक थी, और इसीलिए ही सारा एक्सरसाइज मैं कर पा रही हूँ। और कोशिश करती हूँ फ्रेंड्स कि मैं रोज़ अपना, मतलब मिनिमम 45 मिनट्स तो ज़रूर करूँ, और उससे ज़्यादा ही मेरा होता है। और ये मतलब मेडिटेशन को मिला के ही मैं ज़्यादा करती हूँ, 1 घंटे के आसपास हो जाता है वैसे भी। और रोज़ कोशिश करती हूँ कुछ नया करने का, रोज़ कोशिश करती हूँ कि कुछ अच्छे से करूँ ताकि मेरे बॉडी में कुछ भी इफ़ेक्ट हो। और अभी आज मैं जब वॉइस ओवर कर रही हूँ, ये हम लोगों का मतलब 32 दिन हो गया, 32 डेज हो गया हम लोगों का ये 75 हार्ट चैलेंज का, और ये 28 नंबर दिन है। और देख सकते हैं सुबह सुबह का टाइम है जब इतना पसीना नहीं आना चाहिए, फिर भी मुझे कितना पसीना, कितना स्वेटिंग हो रहा है। और ये मैं वीडियो भी स्पीड कर देती हूँ, ये ना लगे कि मैं इतना स्पीड करती हूँ, लेकिन ये वीडियो स्पीड में है इसीलिए आप लोगों को ये सारे एक्सरसाइज इतना स्पीड में दिखता है, क्योंकि स्लो में दिखाने जाऊँ ना बहुत लंबा हो जाएगा वीडियोज़ भी, तो बस इसी वजह से मैं अपने सारे वीडियोज़ को स्पीड कर देती हूँ। चाहती हूँ कि मैं जो कर रही हूँ सारे एक्सरसाइज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, मतलब मैक्स टू मैक्स शेयर करूँ, 70-80% मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो बस मेरा वही रहता है कि मैं जो कर रही हूँ, मेरा जो एक्सरसाइज है, मेरा दिन का रूटीन है, मैं सब चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँ, तो इसीलिए ही मैं इसको थोड़ा सा स्पीड अप करना पड़ता है, बढ़ाना पड़ता है। और 3 सेट 4 सेट ये तो मैं सारे एक्सरसाइज में करती हूँ, और मिनिमम 3 करती हूँ, और 3 से ज़्यादा अगर कोई एक्सरसाइज मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं 5 सेट भी कर लेती हूँ, लेकिन मिनिमम मैं 3 सेट ज़रूर करती हूँ। मैं काउंट्स में नहीं बता सकती, कोई अगर मुझे बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा है तो काउंट्स में मिनिमम मैं 20 रखती ही हूँ, 20 से ज़्यादा ही होता है, और मिनिमम मैं 20 करती हूँ, 20 20 20 ऐसे करके मैं करती हूँ।
हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये मॉर्निंग का टाइम है फ्रेंड्स, और ये आज मैं बहुत जल्दी एक्सरसाइज कर रही हूँ। अभी 6:30 हुआ है और रात भर सोई नहीं हूँ, तो इसीलिए सोचा कि सोई तो नहीं हूँ, एक्सरसाइज कर लेती हूँ सुबह ही। तो अर्ली मॉर्निंग ही मैंने एक्सरसाइज कर लिया, 5:30 को मैंने स्टार्ट किया, 6:30 हो गया है। आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा, 6:40 हो गया है और मेरा एक्सरसाइज डन। और जाती हूँ फ्रेश होके, फिर आप लोगों से मिलूंगी। तो पानी वानी पी लेती हूँ, ब्रश भी नहीं किया मैंने, खाली टॉयलेट जाके बस तैयार होके एक्सरसाइज कर लिया। और अभी जाती हूँ, फ्रेश हो जाऊंगी, थोड़ी देर के लिए पंखे के नीचे बैठूंगी, फ्रेश हो जाऊंगी और डिटॉक्स विटॉक्स पीऊंगी, उसके बाद नाश्ता करूंगी। तो उस टाइम मैं आप लोगों से मिलती हूँ, अभी के लिए बाय बाय। और यहाँ पे ये मॉर्निंग का टाइम है, तो वरुण का चाय रेडी है, मैंने अपना डिटॉक्स ले लिया है, जिंजर लेमन टी लिया था मैंने, और वरुण के साथ वही हम लोग बात कर रहे थे कुछ, तो बोल रहे, मुझे याद नहीं आ रहा है ठीक से एक्चुअली सच में, मतलब क्या बात कर रहे थे, लेकिन हम लोग इस टाइम में हम लोगों के बारे में ही, अपने बारे में ही बात करते हैं या फिर कुछ काम के बारे में बात करते हैं। तो वही है, मैं सुबह अभी आधा घंटा अपना नींद लेके आ गई थी और ये मेरा ब्रेकफास्ट है। दीदी अपना काम करके चली गई हैं और मैं तो पूरा टायर्ड हो गई हूँ और अभी नींद भी अभी नहीं आ रहा है। और सोचा कि पहले वरुण गए हैं सामान लाने और मुझे बहुत लग रहा था भूख, तो मैंने यहाँ पे लिया है, ये एक केला है और ये एक एप्पल है, तो इसको वो काट के ले आई हूँ। तो ये मेरा ब्रेकफास्ट है आज का। और डिटॉक्स में मैंने आज जिंजर लेमन टी पिया था, तो वही अच्छा लग रहा है आजकल। और डार्क सर्कल कितना बढ़ गया, देखिए एक दिन भी मैं ना सोऊँ ना, मेरा डार्क सर्कल बढ़ जाता है, तबीयत बहुत ख़राब लगता है। और अभी 9 बजा है तो मैं अपना ब्रेकफास्ट करती हूँ और एक घंटे के लिए मैं सोच रही हूँ कि सो जाऊँ ताकि और ज़्यादा डल ना लगे। और दिन में आज कोशिश करूँगी कि ना सोऊँ ताकि रात को मैं अच्छे से नींद अपना कंप्लीट कर पाऊँ, जल्दी सो जाऊँगी। और लेकिन सुबह आज मुझे एक्सरसाइज करके बहुत अच्छा लगा आज का, मतलब जैसे लग रहा है कि काफ़ी एक बहुत बड़ा काम था जो कि मेरा ख़त्म हो गया। और मैं अपना ब्रेकफास्ट भी कर लेती हूँ और मिलती हूँ आप लोगों से अपने लंच के टाइम में। टिल देन बाय बाय। और लंच में मैंने ये चिकन बनाया था, चिकन करी है। आजकल वरुण को बहुत मन कर रहा है ऐसे थोड़ा सा ग्रेवी वाला खाने के लिए, तो राइस और चिकन बनाया था और कुछ भी नहीं था। और यहाँ पे शाम को ये ब्लैक कॉफ़ी वरुण ने ही ला के दिया है, मैं तबीयत बहुत ख़राब हो गया था इस टाइम में। और यहाँ पे भी ये मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, एक अंडा, क्योंकि वरुण ने बहुत मुझे फ़ोर्स किया खाली दूध ना पीने के लिए, इसीलिए मैंने आधा ही दूध लिया है आज, मेरे मग में पूरा फुल नहीं लिया है, थोड़ा सा इसबगुल मिला लिया है। और एक एग पोज था वो, और ये भी वरुण ने ही आज बना के दिया है। मेरा तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं था, बिल्कुल भी ठीक नहीं था, तो बड़े मुश्किल से मैं खा रही थी। ये एक अंडा भी मैं मुझे कंप्लीट करने में बहुत टाइम लग गया। हेलो फ्रेंड्स, और अभी मेरा डिनर मैंने कर लिया था, एक एग पोज था और मिल्क था हाफ ग्लास। और मैं थोड़ा अजीब लग रही हूँ पता है, क्योंकि मेरा तबीयत बहुत ख़राब है तो इसीलिए, और इसलिए वरुण ने भी बोला कि खाली मिल्क मत पी और एक अंडा खा ले, तो मैंने एक एग खाया। मेरे लिप्स भी इतने डिहाइड्रेट हो रहे हैं और आज सो जाऊंगी अभी। वीडियो भी डन है, एडिटिंग ख़त्म हो गया, पूरा रेडी कर दिया वीडियो को, और अभी सो जाऊंगी तो मे बी सुबह थोड़ा अच्छा लगेगा। कल जाऊंगी डॉक्टर के पास, कल सुबह वरुण कल जल्दी जाने वाले थे लेकिन थोड़ा सा लेट जाएंगे क्योंकि डॉक्टर को दिखाना ही पड़ेगा जैसे करके भी। तो बताऊंगी मैं बाद में किसी और वीडियो में मेरा क्या तबीयत खराब है।
और अभी कुछ नहीं फ्रेंड्स, बस मुझे अच्छा नहीं लग रहा है बिल्कुल भी, तो मैं अभी सो जाऊंगी। वीडियो अपलोड करूंगी पहले, क्योंकि वो मेरा पहला काम है, उसको ख़त्म करके फिर मैं सो जाऊंगी। और आज थोड़ा सोने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि कल मुझे एक मिनट भी मैं सोई नहीं हूँ, कल बिल्कुल भी नहीं सोई, तो आज सो जाती हूँ। और तबीयत ख़राब है थोड़ा, इंटरनली अगर आप ठीक नहीं हो ना तो आपका मतलब ये नींद नहीं आना, ये सब चीज़ें होगा ही। और मेरे आईज देख सकते हो, इतना डार्क सर्कल, और एक दिन में आज मेरा और ज़्यादा मतलब फेस का पूरा हुलिया ही चेंज हो गया है। और मैंने कंघी वंगी भी आज नहीं किया है कुछ, मतलब मन ही नहीं कर रहा है। मैं आज ज़्यादा मतलब बेड पे ही हूँ। सुबह का जो काम हम लोगों ने किया था, बस आज बहुत सारे कपड़े वपड़े साफ किए और छत पे सुखाने गए दो बार, तो वो सब चीज़ें ठीक था, तब तक भी ठीक थी। खाना भी बना लिया मैंने, बहुत जल्दी ही बना लिया था आज, और खाना वाना भी खाए, तब तक भी मुझे इतना कुछ ख़राब नहीं लग रहा था। लेकिन जो सेकेंड हाफ से मुझे मतलब मैं उठ नहीं पा रही हूँ, और मेरे फेस में भी ना इसी वजह से पूरा दाने हो गए हैं, चारों तरफ दाने 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 हो के, मतलब क्योंकि आप अगर अंदर से आप सही नहीं हो ना, अंदर से आपका बॉडी ठीक नहीं है, तो वो आपके फेस में या आपके मतलब स्किन में दिखना स्टार्ट हो जाता है। तो मेरा डार्क सर्कल हो गया है, और चारों तरफ पता नहीं आप लोगों को दिख रहा होगा नहीं दिख रहा होगा, लेकिन एकदम छोटे छोटे जो दाने होते हैं ना, पूरा मेरे फेस में हो गए हैं दाने। तो वही है, आज सोऊंगी तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा शायद। और आज का ये ब्लॉग भी मैं यहीं पे एंड करूंगी, ज़्यादा और लंबा नहीं करूंगी। फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। मेरे इंस्टाग्राम में भी मुझे जरूर फॉलो कीजिए फ्रेंड्स, और उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देती हूँ। और आज का वीडियो भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ फ्रेंड्स, और मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो अपने नेक्स्ट ब्लॉग पे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।